हेलो एवरीवन, मैं अनीता। आज हम बनाएंगे कबाब। गोभी को पहले हम कद्दूकस कर लेते हैं। सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी, तो आज हम बनाएंगे कबाब। तो गोभी को पहले कद्दूकस कर लेंगे। इसको अच्छे से कद्दूकस करना है, तो नीचे का डंठल होता है ये भी हम कद्दूकस कर लेंगे। इसको भी नहीं फेंकेंगे, बिल्कुल बारीक कर लेंगे कद्दूकस करके। मैंने गोभी को साफ करके धो ली थी और सुखा ली थी, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। धो के पहले सुखा लें, उसके बाद कद्दूकस करें। जब नीचे का मोटा मोटा बचता है, इसको उठा के हम फिर से कद्दूकस कर लेंगे। ऐसे अगर पीस कर लेते हैं तो कद्दूकस आराम से हो जाती है, अगर पूरी गोभी करेंगे तो नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से पीस कर लें गोभी के, जो कद्दूकस आराम से हो जाए। इस तरीके से हमने कद्दूकस करनी है। गोभी हमने कद्दूकस कर लिए, इसमें डालेंगे हरी मिर्च जो हमने बारीक बारीक काट ली थी, अदरक कद्दूकस करी हुई, धनिया, इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू, ये भी हमने कद्दूकस कर लिया था। थोड़ा सा इसमें बेसन डालेंगे, बेसन तो आप चाहो तो भून के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। बेसन आलू क्या करेंगे, बेसन आलू क्या करेंगे, इसको जो कबाब बनाएंगे इसको बाइंड करेंगे। इसको अच्छे से मसलेंगे आप इस तरीके से गोभी के साथ। अगर बेसन कम लगता है थोड़ा सा और डाल लेना, पहले मिला लेते हैं फिर मसाले डालेंगे। बेसन थोड़ा सा और डालेंगे, पहले इसमें मसाले डाल लेते हैं। थोड़ा सा हम धनिया डालेंगे, पिसा हुआ धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, और स्वाद के अनुसार हम डालेंगे इसमें नमक। अब फिर मिलाएंगे इसको अच्छे से। और इसके साथ हम बनाएंगे टेस्टी सी चटनी, मैं आपको बताऊंगी कैसे बनानी है। अब इस तरीके से मिला के इसको हमें रख देंगे। पहले चटनी तैयार करते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने गैस पे पैन रखा है, इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे नारियल, प्याज डालेंगे, हरी मिर्च, लहसुन डालेंगे, ज्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा रोस्ट करना है हमने। फिर डालेंगे थोड़ी अदरक, टमाटर डालेंगे,
इसमें डालेंगे नमक, सिर्फ नमक ही डालना है। कितना पकाने से लहसुन होते ना हमारे ये हल्के से भून जाए, और प्याज भी। तो आपका ये चटनी बहुत यम्मी लगती है, खाने में बहुत टेस्टी होती है, तो इस तरीके से बनाएं। हमें बस इतना ही पकाना है, गैस कर देंगे बंद, तो छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए। ठंडे होने के बाद पीसेंगे, जब तक कबाब की तैयारी करते हैं। कबाब बनाने के लिए हाथ में थोड़ा ऑयल लगाएंगे इस तरीके से, पूरे हाथ में थोड़ा ऑयल लगा लेंगे और बैटर उठाएंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से बाइंड करके। शेप तो आप कोई सी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं टिक्की की शेप में बना रही हूँ इस तरीके से। हाथ में ऑयल लगा के बनाएंगे, बहुत आराम से बन जाता है। अब इसको बना बना के हम प्लेट में रख देंगे। अब कबाब हमारे फ्राई, अब कबाब हमारे बन के तैयार हो गए हैं इस तरीके से। अब इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल मैंने पहले चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, अब ऑयल गर्म हो गया है। पहले हम छोटू सा बना के देख लेते हैं फ्राई करके। ऑयल गर्म हो गया है इस तरीके से। आप चाहो तो शैलो फ्राई भी कर सकते हो, लेकिन मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। पहले हम चार ही फ्राई कर लेंगे। गैस लेकिन धीमे रखें बिल्कुल, जो अंदर तक से पक जाए। अब एक तरफ से पक गए हैं, इनको पलट देते हैं। जब तक एक साइड से हल्के से पकना जाए ना, तब तक पलटना नहीं चाहिए, नहीं टूटने का डर होता है। इस तरीके से देखो, एक साइड से अच्छे से पक गए हैं, अब दूसरी साइड से पकने देते हैं। कबाब हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, अच्छे से पक गए हैं, उनको निकाल लेते हैं। चटनी बनाने के लिए पहले हम धनिया डालेंगे ढेर सारा, अब इसमें जो हमने मसाला बनाया था मसाला भी डाल देंगे। डालेंगे अमचूर एक चम्मच, थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब इसको हम बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको निकाल लेंगे कटोरी के अंदर। अगर आपको ही मेरी कबाब की रेसिपी अच्छी लगती है, जो गोभी कबाब है, तो इसको लाइक करें और दोस्तों का शेयर ज़रूर करें। आपको फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।